हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है अक्टूबर 11, 2019। तो चलिए देखते हैं कि आज के द हिंदू एडिटोरियल में कौन से टॉपिक है। तो ये जो पहला आर्टिकल है इज बेस्ड ऑन जो इंडिया और चाइना का जो ममल्लापुरम में जो दोनों ही लीडर, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी और जो चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, दोनों के बीच में एक इनफॉर्मल मीटिंग होने वाली है जो तमिलनाडु के ममल्लापुरम में। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है और आप देख सकते हैं इसी आर्टिकल का एक जो बिगर वर्जन यहाँ पे एक्सप्लेन किया है सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करके कि चाइना के कौन से प्रॉब्लम्स हैं, आने वाले टाइम में चाइना को कैसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। इंडिया और चाइना के जो अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो चाइना के FDI इन्वेस्टमेंट इंडिया के ऊपर है, जो पॉइंट्स को लेके चाइना को कंसर्न होनी चाहिए, पूरे डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। कल भी ये आर्टिकल हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है लेकिन आज इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको जो इसकी क्लियरिटी और भी बढ़ जाए। देन ये जो आर्टिकल है बेस्ड ऑन जो यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, तो वहाँ पे उनके जो नए चीफ है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, तो उन्होंने जो इंडिकेशन दी है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसको कम करके 7% तक कर दिया फाइनेंशियल ईयर जो 2020 तक। तो इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर बिटवीन USA एंड चाइना बहुत काफ़ी कम हो गई है। तो इसके बारे में ये आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। देन दूसरा जो आर्टिकल है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस किए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे, बहुत सारे फाइन को भी इंक्रीज किए गए थे। तो इसका एक सीधा सा रूल यही था कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर कंसर्न रहेंगे कि अगर उन्होंने कोई गलती कर दी, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उनको फाइन ज़्यादा पड़ना पड़ेगा और वो ज़्यादा कॉशियस रहेगा। लेकिन इसमें इंडिया में जो भी एक्सीडेंट्स है इसके बावजूद भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे बेसिकली ड्राइवर्स की तो प्रॉब्लम्स है लेकिन जो रोड डिजाइनिंग है या जो भी होनी चाहिए वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसको भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देन ये जो आर्टिकल है बेस्ड ऑन जो NRC, तो आप जैसे कि जानते हैं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यहाँ पे आसाम में ये लागू हुई थी 31 अगस्त, जो इसका फाइनल ड्राफ्ट आया था उसमें लगभग ये बोला गया था कि 19 लाख जो लोग हैं आसाम में वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं फ्रॉम बांग्लादेश, इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। तो ये अभी एक जो डिस्प्यूटेड रिजल्ट है इसके ऊपर फिर से रीवेरिफिकेशन यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे एक इंटरव्यू टाइप का आर्टिकल दिया गया कि ये पूरी कंट्री में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की एप्लीकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इसके ऊपर यहाँ पे मेंशन किया गया, इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देन ये जो आर्टिकल है एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अक्टूबर 11 और 12 यानी कि आज और कल जो ममल्लापुरम तमिलनाडु में, तो यहां पे चाइना और इंडिया का सेकेंड इनफॉर्मल समिट होने वाली है। तो ये यहाँ पे जो चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों की साथ ही एक अपॉर्चुनिटी है कि दोनों ही जो प्रॉब्लम्स है या ओवर रीचिंग जो इश्यूज है, जो बायलेटरल प्रॉब्लम्स है या रीजनल एंड ग्लोबल इंपोर्टेंस के तहत, दोनों ही अपने रिलेशंस को यहाँ पे मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि चाइना ने हाल ही में टाइम में जो इंडिया के खिलाफ कुछ अलग अलग स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में जो जैश ए मोहम्मद जो टेरर ग्रुप के जो लीडर है, जो उनके चीफ है मसूद अजहर, उनको बचाने के लिए चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट गए थे। देन इंडिया को जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के मेंबरशिप ने चाइना के अपोज किया था कि नहीं मिलनी चाहिए यहाँ पे। देन यहाँ पे चाइना की जो एक यहाँ पे इंटरवेंशन है कि साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पे चाइना एक अपनी दबदबा बनानी चाहती है, तो ये एक चाइना का एक नेगेटिव स्टांस पहले से था अगेंस्ट इंडिया। देन यहाँ पे अगर बोला जाए कि जो आसियान कंट्रीज के पहले जो लास्ट ईयर जो सिंगापुर में संग्रीला डायलॉग हुआ था, तो वहाँ पे भी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यहाँ पे एक विजन था, वहाँ पे एक ऑब्जर्वर की तरह से इंडिया ने बोला था कि हम सपोर्ट करेंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो आसियान कंट्री के जो ग्रुप है चाइना का इंटरवेंशन था कि उन लोगों के ऊपर इफेक्ट ना हो, तो ये ग्रुप बनी हुई थी। तो USA ने भी चाहा था कि उस ग्रुप में USA के भी यहाँ पे एक जो उनकी अगर ट्रेडिंग यहाँ पे हो सके। तो ये बेसिकली क्या हो कि जो ये USA का जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हिसाब से ये चाइना के अगेंस्ट ही था। तो इंडिया भी ऐसी नहीं कि चाइना को यहाँ पे खुले हाथ छोड़ दिया था, जब भी मौका मिला चाइना को इंडिया ने भी एक जो कूटनीतिक बोल सकते हैं कूटनीतिक हम एक पोक इंडिया ने किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि चाइना ने पाकिस्तान के फेवर में जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे यहाँ पे मुद्दे उठाए हैं,
तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि चाइना के खुद के ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है यूएसए से रिलेटेड, हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, यूएसए से रिलेटेड जो ट्रेड वॉर उन लोग की चल रही है, या तो उनकी जो जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चल रही है, ये जो है पूरी दुनिया के जीडीपी के ऊपर इसका इफेक्ट करने वाली है, और इसका जो फ्यूचर है ये फ्यूचर काफी अनसर्टेन है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि चाइना ये ही चाहती है कि चाइना सेंट्रिक ऑर्डर जो पूरा एशिया में उनकी रेजिस्टेंस के हिसाब से वो बरकरार रहे। और अगर बात करेंगे जो मिन्स्क डायलॉग जो बेलारूस में हुआ था लास्ट वीक, तो वहां पे चाइना और यूरोपियन यूनियन जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ जो चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके ऊपर बात की, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि चाइना की यहाँ पे जो दबदबा है ग्लोबल स्टैंडर्ड है और एनवायरमेंटल एंड लीगल जो लेबर रूल्स के अगेंस्ट है यहाँ पे। देन पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान ने जब बीजिंग के दौरा किया था, तो यहाँ पे ये बोला गया था चाइना के द्वारा कि चाइना हर वक्त जो है पाकिस्तान के सपोर्ट में है, और कश्मीर से रिलेटेड कुछ भी हो जो चाइना पाकिस्तान के जो कोर इंटरेस्ट है उनको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला था कि इंडिया की ये इंटरनल मैटर है, किसी भी दूसरे कंट्री की इंटरवेंशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि चाइना ने जम्मू कश्मीर से रिलेटेड वो भी प्रॉब्लम को यूनाइटेड नेशन चार्टर और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस में उसमें पॉइंट आउट किया था विद पाकिस्तान। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर उनके खुद के ही देखेंगे तो 1963 में जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री एग्रीमेंट था चाइना का, या तो उनके जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक जो है, ये ही उनके जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशंस के हिसाब से उन लोग उसको वायलेट करके पाकिस्तान को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। अगर देखा जाए कि जो 1963 में अगर देखा जाए उन लोग की जो कश्मीर में अक्साइज चीन जो एरिया है, इसमें चाइना ने लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो लैंड है उसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, और पाकिस्तान ने जो बाउंड्री एग्रीमेंट के थे 1963 में जिसने हमने अभी बात किया, तो 1963 में पाकिस्तान ने उनको लगभग 5,000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर की जो जगह उनको दे दी है। तो ये उनकी जो जो लैंड जो बाउंड्री एग्रीमेंट के जो आर्टिकल 6 के सेटलमेंट के तहत ये इंटरिम एग्रीमेंट है, जिसको चाइना ने ये बोला गया है कि ये ओपन ये रीओपन निगोशिएशन है, तो दोनों ही कंट्री जो है एक दूसरे को सपोर्ट करे ताकि इंडिया के फेवर उनके अगेंस्ट ना जाए और दोनों ही अपने जो अक्साई चीन हो या पीओके हो ये उनको खोना ना पड़े। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप है काफी हद तक अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे आती रहे। अगर बात करें कि 1962 की जो वार हुई थी इंडिया और चाइना के अगेंस्ट, तो यहाँ पे उसके बाद लगभग 14 साल लग गए थे कि दोनों की रिलेशंस को फिर से गठन होने में, और एडमिनिस्ट्रेशन जो एम्बेसडर जो थे चाइना के जो एम्बेसडर इंडिया में थे या इंडिया के जो एम्बेसडर चाइना में थे उनको रिवाइव करने के लिए लगभग 14 साल से ज्यादा लग गए थे। उसके बाद जब इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो उसके जो चाइना ने भी उसको अपोज किया था, तो इंडिया का ये बोला गया था ये नॉर्मल स्टाइल्स के हिसाब से है। और अगर देखा जाए कि 2017 में जब डोकलाम में जो प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद जो उसके इमीडिएटली बाद ही ब्रिक्स समिट में दोनों ही जो नेता यहाँ पे मिले थे, लेकिन इसके बाद भी कोई भी यहाँ पे एंगेजमेंट नहीं या कोई भी जो स्टेबिलिटी दिखी नहीं दोनों के ही रिलेशंस में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये मामल्लापुरम जो जगह है जहाँ पे ये इनफॉर्मल समिट होने वाली है, ये काफी हिस्टोरिक जगह है। तो ये बेसिकली क्या है कि एंशियंट अगर हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा जो पल्लव डायनेस्टी है, तो अगर ये देखा जाए कि जो गोपाला है उन्होंने सॉरी गोपाला ने यहाँ पे जब स्टार्ट किया था शिवांशु ने, तो काफी पहले ये स्टार्ट किया था। तो अगर देखा जाए कि ये चाइना के साथ जो उनकी रिलेशन 2000 साल से भी पुरानी की है, तो यहाँ पे बोधि धर्म ने जो है यहाँ पे जो ध्यान स्कूल ऑफ मेडिटेशन जो साउलिंग मोनेस्ट्री जो हेनान प्रोविंस जो है चाइना में उसमें गठन किया था, वो वहां से ही बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे मामल्लापुरम को चूज करने का यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक रीजन भी है, क्योंकि इंडिया और चाइना की पूरी हिस्टोरिकल जो पुरानी हिस्टोरिकल जो रिलेशंस को यहाँ पे दिखाया जाए पूरे दुनिया को, और उनके जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप को यहाँ पे भी हाईलाइट किया जाए। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि चाइना की जो एफडीआई यहाँ पे थी, तो 2015 में ही लास्ट उनकी एफडीआई इंडिया में हाईएस्ट थी। उसके बाद से अगर देखा जाए चाइना की अभी तक इंडिया में जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है उसकी टोटल जो अमाउंट है ये $8 बिलियन है। तो अगर देखा जाए उससे भी ज्यादा होनी हो सकती है, लेकिन उन्होंने अभी तक वैसा किया नहीं। और यही बोला जा रहा है कि दोनों की ही म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट जो है ये बायलेटरल रिलेशंस को और भी मजबूत करती है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो सेकेंड इन्फॉर्मल समिट होने वाली है, तो उसको ये बोला जा रहा है कि ये एक क्वाड मीटिंग है फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल के हिसाब से। यहाँ पे जो अभी चाइना और यूएसए के जो भी ट्रेड वॉर के प्रॉब्लम चल रही है, तो ये काफी प्रॉब्लम होने वाले, तो इसके हिसाब से यूएसए ने 28 चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फार्म है
जो सिंगजियांग में है चाइना के, तो उनको ह्यूमन राइट वायलेशन के तहत उसको बैन कर दिया गया था। और चाइना के जो 78th एनिवर्सरी है यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के रूल के हिसाब से, तो इसके हिसाब से हांगकांग ने भी उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया। तो हांगकांग के प्रोटेस्ट के बारे में भी हम लोगों ने काफी बार डिस्कस किया है, आप लोगों को ये पता होगा। तो यहाँ पे जो हांगकांग के एक्सट्रेडिशन के हिसाब से हांगकांग ये मानते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के अंदर थी। तो 1997 में जब उन लोगों को चाइना के साथ जोड़ दिया गया, तो ऐसा है कि दो अलग अलग यूनियन, एक स्पेशल उन लोगों की अधिकार होती है, तो उनके खिलाफ जो उनके सिटीजन्स ने काफी प्रोटेस्ट करके रखा हुआ है। तो चाइना की जो डीम है 2049 तक की पूरे हांगकांग एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को उसके अंदर रख के चाइना को उसके बढ़ाने के लिए जो उनकी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी है इसको अगर देखा जाए तो ये संदेहजनक स्थिति में यहां पे चला गया है। तो चाइना को यहां पे जो हांगकांग से रिलेटेड जो कोर चीजों को यहां पे कंसर्न में रखनी चाहिए, तिब्बत, सिंगजियांग, ताइवान या हांगकांग को यहां पे उन लोग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है। तो चाइना को डेफिनेटली यहाँ पे एडजस्ट करनी होगी इंडिया और दोनों ही चाइना की जो राइज के लिए, और दोनों ही कंट्री को एक दूसरे के सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को यहाँ पे सम्मान करनी चाहिए। और यहाँ पे ये देखना चाहिए कि दोनों ही कंट्री अगर मिलजुल के कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट नहीं, कोऑपरेशन या कोलाबोरेशन के हिसाब से अगर काम करेंगे तो दोनों ही कंट्री के लिए यहाँ पे अच्छा, क्योंकि दोनों ही कंट्री जो है डेस्टाइंड है राइज करने के लिए। तो यहाँ पे उनकी जो आने वाली टाइम में जो ममल्लपुरम में होने वाला है उसी के बाद ही पता चलेगा कि दोनों के बीच में क्या डील वहां पे चल रही है। तो ये आर्टिकल को लिखा है सुजन आर चिनॉय ने। तो नेक्स्ट चलते हैं कि आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट को कम करके इसको अभी फाइनेंशियल ईयर 2020 तक इसको 7% कर दिया है। तो क्यों 7% कर दिया है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आईएमएफ की जो नई चीफ है क्रिस्टेलिना जॉर्जेवा अभी नई चीफ बनी है, ये बुल्गेरिया के प्रेसिडेंट है, यहाँ सॉरी बुल्गेरिया के सिटीजन थी, तो यहाँ पे अभी जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के वहाँ पे चीफ है वो अभी। तो उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि कुछ कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडिया, ब्राजील, वहां पे जो ग्रोथ स्लोडाउन देखने को मिला है, और पूरे इंडिया और ब्राजील में नहीं, पूरे दुनिया में जो है, पूरे दुनिया में ग्लोबल स्लोडाउन जो है 90% तक, यहाँ पे 90% जो कंट्रीज है इसमें ग्लोबल स्लोडाउन देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए कि ये कुछ सालों पहले तक पूरे 75% पूरे दुनिया में एक ग्लोबल एक्सीलरेशन भी देखा गया था, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है ये करंट डिकेड में जो है ग्लोबल स्लोडाउन ये धीरे धीरे होते चली गई। और अगर देखा जाए कि जुलाई में जो आईएमएफ ने ये फोरकास्ट किया था कि 2020 तक इंडिया की जो ग्रोथ है ये 30 बेसिस पॉइंट कम करके इसको 7% रखा गया है यहां पे। तो इसका रीजन ही है कि आईएमएफ ने जो इंडिया की ये जो ग्रोथ को मद्देनजर रखे हो इसको फोरकास्ट किया है। तो यहां पे अगर देखा जाए कि जो भी ग्रोथ हो रही है इसके जो वेरियस अलग अलग प्रॉब्लम्स भी दिखाए, तो मेन प्रॉब्लम्स दिखा है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के जो ट्रेड वार, तो इसका इफेक्ट पूरे दुनिया के ऊपर पड़ेगा। और जो पूरे 2020 तक ग्लोबल जीडीपी जो है 0.8% तक पूरे दुनिया में हर जगह कम होगी। तो यहां पे उन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया है कि ये जो ग्लोबल ट्रेड वार है ये सभी के लिए खतरनाक है, कोई भी इससे नहीं बच पाएगी, पूरे दुनिया में इसका बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट यहां पे पड़ सकता है यहां पे। तो यहां पे ये बोला गया कि उनकी जो स्पीच में तो काफी सारे चीजों के ऊपर उन लोगों ने ध्यान दिया, तो कि मॉनिटरी पॉलिसी जो यहां पे डिजाइन करते हैं वो सस्टेनेबल ग्लोबल ग्रोथ को यहां पे एड्रेस करने के लिए बारे में बात किया गया है। तो यहां पे जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी यहां पे डेफिनेटली यहां पे एक ये बोला जा रहा है कि हिस्टोरिकली इंटरेस्ट रेट जो काफी यहां पे लो है, तो यहां पे इसको भी पॉइंट आउट किया गया। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में आई थी तो उसके वजह से यहां पे जो इंटरेस्ट रेट जो है ये काफी नीचे चली गई, अभी जीरो से भी निगेटिव चली गई है। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को यहां पे एक काफी सारे अलग अलग कंट्रीज के गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन है, और सभी गवर्नमेंट जो है एनुअल डेट पे चल रही है। तो यहां पे ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम जो है एक रिवर्सल ऑफ कैपिटल फ्लोज और हाई ग्लोबल डेट के बारे में भी यहां पे बात किया गया है। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी जो है उसको यहां पे हाईलाइट करके इसके ऊपर यहां पे काम करनी चाहिए, तो इसके बारे में इसको मेंशन किया गया है। तो यहां पे अगर देखा जाए कि जो उन्होंने यहाँ पे ये बोला गया कि अलग अलग कंट्रीज को यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में बात किया है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ही ग्रो कर सकते हैं और इमर्जिंग मार्केट को यहाँ पे इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे काम किया जा सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में तहत वहां पे उसके रिपोर्ट के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है ये जो इमर्जिंग मार्केट की जो इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड को बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, और कुछ कुछ जो इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे कि इंडिया, ब्राजील, ऐसे वहां पे जो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेसिकली क्या होते कि वहां पे जो उनकी जो एडवांस कंट्रीज के हिसाब से ये बढ़ती जा रही है। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि ये जो एक बिग बैंग स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए उसको
ठीक करनी होगी और गवर्नमेंट को उसके लिए इनिशिएटिव लेनी होगी, तो इन्होंने ये एक ऐसी एडवाइस यहाँ पे दी थी। तो नेक्स्ट आर्टिकल के चर्चा थे, तो नेक्स्ट आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 स्टार्ट किया गया था, तो लोकसभा में ये पास हुआ था जुलाई 23 को और ये राज्यसभा से पास हुई थी जुलाई 31 को। तो यहाँ पे 63 अलग अलग कॉजेस को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पे रोड ट्रैफिक के जो फैटेलिटीज है, जो इंजुरीज इंडिया में होती है, उसके बारे में भी मेंशन किया गया था। तो बहुत सारे न्यू प्रोविजन को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि जो भी यहाँ पे व्यक्ति है उनको अगर रोड एक्सीडेंट में उनकी अगर इंजुरी हो गई, उनको प्रॉब्लम होगी, तो कॉम्पेंसेशन देने की बात की थी यहाँ पे। देन मोटर व्हीकल जो एक्सीडेंट है यहाँ पे कंपल्सरी इंश्योरेंस कवर की बारे में बात किए थे, ताकि कोई भी जो रोड यूजर्स है उनको यहाँ पे कंपलसरी इंश्योरेंस कवर यहाँ पे होनी चाहिए। देन यहाँ पे जो डिफेक्टिव मोटर व्हीकल है उसको रिकॉल करके उसको भी यहाँ पे ठीक करने की बात की जा रही थी। देन जो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी उसको डेवलपमेंट करने के बारे में बात किया जा रहा था। देन नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड को भी यहाँ पे मद्देनजर के काफी सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले गए थे। टैक्सी एग्रीगेटर्स हो या इंक्रीज पेनल्टी, दोनों ही जो प्रॉब्लम्स को यहाँ पे ऑफेंसेस को बढ़ाने के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। तो अगर देखा जाए इसके हिसाब से जो भी यहाँ पे प्राइजेस यहाँ पे जो रोड ट्रैफिक है, तो यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक ये बोला गया है जितने भी रोड एक्सीडेंट हो या कोई भी जो फैटेलिटीज हो यहाँ पे 50% तक इसको कम करनी है बाय 2030 यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी पेनल्टीज है इसको इंक्रीज कर दिया गया, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे पेनल्टीज को इंक्रीज कर दिया गया था। तो इसको ये बोला गया था कि ये जो पेनल्टी इंक्रीज कर दिया गया था सेप्टेम्बर 1 से लेके, तो बहुत सारे स्टेट्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसको पेनल्टी को फिर से कम कर दिया। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पेनल्टीज जो है पेनल्टीज यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो सिस्टम और भी अगर कुछ देखा जाए कि यहाँ पे जो फॉल्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, कोई भी अगर गाड़ी हो या बाइक हो उसके जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में फॉल्ट हो उसके ऊपर यहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है। देन यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रेक्टर रोड को डिजाइन करते हैं तो उन लोग ने अगर उसके स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। देन कोई भी अगर जो जुवेनाइल यानी कि कोई भी जो माइनर अगर अंडर 18 के हिसाब से अगर उनको ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया तो उसके जो हिसाब से उसको पेनालाइज किया जाएगा। तो काफी सारे यहाँ पे मुद्दों के ऊपर ध्यान दिया गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि डेवलप कंट्रीज के साथ, तो डेवलप कंट्रीज में ये जो है कि हायर पेनल्टीज या जो स्ट्रिक्ट कोरिलेशन के हिसाब से वहां पे जो रोड ट्रैफिक या जो उनके जो एक्सीडेंट्स होती थे या जो उनके रोड ट्रैफिक डेथ होती थी ये साल बाय साल ये कम होती चली गई। तो बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए वेस्टर्न यूरोप में देखा जाए, यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो डेवलप्ड नेशंस है उन लोगों ने ये सब बहुत ही स्ट्रिक्टली अप्लाई किया है। तो उन लोग जो ट्रैफिक रूल्स जो भी कोई भी उन लोग के जो ड्राइवर्स हैं या कोई भी जो फॉलोअर्स हैं उन लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और उन लोग इसके वजह से काफी एडवांस है हमसे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो फाइन है, तो फाइन का यहाँ पे उद्देश्य क्या है कि कोई भी अगर ड्राइवर वो गाड़ी चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो वो कॉशियस रहेगा कि अगर बाय चांस उसने कोई रोड की जो रूल्स तोड़ी या एक्सीडेंट कर दिया गया या कोई भी जो नियम लागू है उसको फॉलो नहीं किया, तो उनको बहुत एक बड़ा फाइन देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली वो जो ड्राइवर है केयरलेस नहीं होगा, उसको पेनल्टी देने का डर हमेशा सताता रहेगा और काफी ज्यादा कॉशियस रहेगा। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो है ये जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द ट्रैफिक एक्सीडेंट उसको प्रमोट नहीं क्यों करती। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि रोड यूजर्स जो है उन लोग को यहाँ पे कैसे किया जाएगा कि जो वहां पे वॉकिंग कर रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो, तो यहाँ पे रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने ये सजेस्ट किया है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी है जिसको भी यहाँ पे मद्देनजर रखनी चाहिए यहाँ पे, जैसे कि जो रोड की जो विड्थ है, ये विड्थ बहुत सारे जगहों पे कम होती है तो दोनों ही अगर साइड से गाड़ी क्रॉस किया जाए तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जो रोड की जो शोल्डर प्रेजेंस यहाँ पे होती है, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लेन जो होती है एक रोड में, अगर जो बड़ी रोड में 2 या 3 लेन होते हैं तो एक लेन से दूसरे लेन तक जब कवर करती है या क्रॉस करते हैं उसके बारे में यहाँ पे भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं होते। यहाँ पे जो ड्राइवर की जो बिहेवियर है, जो भी स्पीड से उन लोग गाड़ी चलाते हैं या लेन चेंजिंग के यहाँ पे जो फैक्ट है उसको उनको बारे में डिटेल में पता नहीं होते, तो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसको भी यहाँ पे इंपोर्टेंस देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो रोड है, रोड बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रोड सेफ्टी के तहत। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये सभी को एक ज्योमेट्रिक डिजाइन या इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से इंप्रूव किया जा सकता है ताकि रोड सेफ्टी या एक्सीडेंट्स को यहाँ पे कम से कम किया जा सके। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ड्राइवर्स को अपने जो बिहेवियरल जो है उसके हिसाब से भी यहाँ पे काम करनी चाहिए। ड्राइवर जो है यहाँ पे अगर बहुत ही इजी या स्ट्रेट रोड मिल गया, नेशनल हाईवे मिल गया, वो खुला उनके पास है, तो ड्राइवर बेसिकली क्या होता है कि वहां पे बोर हो जाता है और उन लोग
एक जो मोनोटोनस रूप में जाती है, तो इसके वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट पेनल्टीज भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की बात की है, ताकि ड्राइवर की जो ट्रेनिंग है वो ड्राइवर के हिसाब से उसको नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे ये बोला जाए कि रोड इंजीनियर जो है, ऐसे सिचुएशन में अलग अलग डिजाइन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि जो एक सीधे लेन में चला के उनको जो एक मोनोटोनी के वजह से अगर उन लोगों को उसके वजह से एक्सीडेंट हो, उसको भी रिड्यूस किया जा सके। तो देखा जाए यहाँ पे एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पिछले 50 सालों में यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर बात किया जा रहा है कि यहाँ पे ह्यूमन फ्रेलिटी की जो लोगों के द्वारा यहाँ पे जो मिस्टेक होती हो जाते हैं, जो ह्यूमन एरर के बारे में बोला जा रहा है, लोग जानबूझ के नहीं अनजाने में जो ह्यूमन एरर यहाँ पे होती है, या जो भी एनवायरमेंटल इशू या भी क्रैश एनर्जी मैनेजमेंट के तहत इसको भी यहाँ पे एड्रेस किया गया है, इसको भी यहाँ पे चर्चा में लेके उसके हिसाब से काम करनी चाहिए। तो अगर देखा जाए यूएसए और जो यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से यहाँ पे जो रोड स्टैंडर्ड्स है, ये जो है एक सेफ रोड सिस्टम के हिसाब से उसको काम में लाना पड़ेगा, अनलेस ये सेफ्टी परफॉर्मेंस जो है उसको इवैल्यूएट ना किया गया। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो डेंसिटी है इंडिया के जो स्मॉल टाउन्स या विलेजेस है जो कनेक्टिंग होती है हाईवेज के ऊपर, तो उनके यहां पे अगर देखा जाए कि इंडिया में जो हाईवेज में भी जो ट्रैक्टर्स हो, थ्री व्हीलर्स हो, ऑटो हो, कार्स हो, बसेस हो, ट्रक्स हो, ट्रक ट्रेलर्स हो, वैगनर्स हो, बहुत सारे जो है ये बहुत प्रॉब्लम करती है। लेकिन इसका अगर एक कंपैरिजन हम लोग देखें नॉर्दर्न अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप में, तो ये कितनी सिस्टमेटिक है। एक पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि ये है इंडिया। तो इंडिया में अगर देखा हाईवे में ये है स्थिति, यहां से ट्रक जा रही है, यहां से लॉरी जा रही है, यहां से कार भी जा रही है, थ्री व्हीलर्स भी जा रही है, बसेस भी जा रही है, यहाँ पे फ्रूट्स के दुकान भी है यहाँ पे, तो स्कैटर्ड है पूरी तरीके से। कोई भी जिसको जो मर्जी कहे उसके हिसाब से यहाँ पे गाड़ी चला रहा है, कोई भी ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो एक सेम जो आप देखेंगे ये है यूएसए में। तो आप देख सकते हैं अपने अपने लेन में सब लोग जा रहे हैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। आप देख सकते हैं हर लाइन जो है, हर गाड़ी जो है एक लाइन को फॉलो करके जा रही है हर गाड़ी। तो अगर देखेंगे कौन से सिचुएशन में ट्रैफिक जो एक्सीडेंट्स का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हम उसके हिसाब से गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन होता है, ये एप्लीकेशन पूरे जो है ये पैसेंजर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए कि यहाँ पे जो पेडेस्ट्रियन है या मोटरसाइकिलिस्ट है, उनमें भी जो वो भी ये जो एक्सीडेंट होती है उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ा देती है, कि यहाँ पे जो रोड यूजर्स है उसके हिसाब से भी होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पिछले दो दशक में ये जो रोड में यहाँ पे जो रोड की जो डिजाइनिंग में काफी सारे इन्वेस्टमेंट भी भारतीय सरकार कर चुकी है, और नेशनल हाईवे सिस्टम को यहाँ पे इंप्रूव करने की यहाँ पे बात चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी है एक्सीडेंट्स बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है हम लोग खुद से ही देख सकते हैं। हम लोग को खुद को ही यहाँ पे संभालना होगा, गवर्नमेंट को हम लोग हर चीजों के ऊपर डोज देने से यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि रोड के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अगर एनालिसिस किया जाए, तो यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे मिलता है उसके हिसाब से देखा जा सकता है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं एक्सीडेंट्स किस वजह से होती है। तो यहाँ पे अलग अलग जो इन्फ्लेशन जो रिस्क के बारे में बोला जा रहा है, जो क्रैश सिवियरिटी के बारे में बोला जा रहा है, और यहाँ पे ये समझ जाए कि अलग अलग रिलायबल कंक्लूजन के हिसाब से यहाँ पे इफेक्टिवली या इफिशियंटली इसको यहाँ पे प्रिवेंट किया जा सके। तो यहाँ पे एक डेटा ड्रिवन अप्रोच के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो क्रैश डेटा हो या बैकग्राउंड डेटा हो या एक्सपोजर डेटा हो या डेटा ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उसके भी डेटा गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिसर्चर्स ने ये बोला है कि साइंटिफिक मेथड के हिसाब से इसके ऊपर जो एक एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया की जो रोड सेफ्टी में या रोड जो ड्राइवर्स को गाड़ी चलाने में जो यहाँ पे एक नेचुरल टेंडेंसी है, ये साइंटिफिकली है ही नहीं। लोगों को सिर्फ एक जगह से उन्होंने गाड़ी चालू किया चलाना या बाइक चालू किया, उन लोगों को यही चिंता रहती है कि उन लोग अपने डेस्टिनेशन कैसे पहुंचे, कितनी कम टाइम में पहुंचे। तो ये बेसिकली क्या करती है, रोड एक्सीडेंट्स को यहाँ पे बढ़ा देती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एनालिसिस के हिसाब से इसके जो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है फाइन से रिलेटेड, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति की लाइसेंस को यहाँ पे जब्त कर ले, तो ये डेफिनेटली कोर्ट के ऊपर यहाँ पे बहस करने जाएगा कि हम उसको लाइसेंस को इलीगली तरीके से लिया, उसको इलीगल तरीके से अपने लाइसेंस को रिकवर करने के लिए कोशिश करेगी यहाँ पे। और इंक्रीज अगर किया भी जाए फाइन को, तो यहाँ पे इस जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट में, तो इसका जो इफेक्ट है, इसका इफेक्ट ट्रैफिक जो क्रैशेस को यहाँ पे कम करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो करंट ट्रैफिक सेफ्टी साइंस के तहत यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोगों को जो है खुद से यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर खुद से ही रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स
कमेगी नहीं, और भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे पर्सनल इंजुरीज जो है या कोई भी जो प्रॉब्लम, इसके हिसाब से जो रोड डिजाइनर्स है यहाँ पे, उनको बहुत ही प्रिवेंटिव तरीके से, प्रैक्टिकली तरीके से यहाँ पे काम करनी चाहिए, ताकि जितने से कम जो यहाँ पे इंजुरी हो उसको कितना कम कर सके उसके हिसाब से यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि इंडिया के जो बर्डन है ट्रैफिक क्रशेस, ये बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे स्ट्रक्चर होनी चाहिए, इसके हिसाब से नई नई नॉलेज बेस्ड रोड स्टैंडर्ड या उसके हिसाब से सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से हाईवेज या अर्बन रोड्स को यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि हम लोगों को एक बहुत ही लंबा दूर तय करना बाकी है, ताकि सेफ रोड बिहेवियर पूरे देश में लागू हो सके। और ये जो आर्टिकल, ये आर्टिकल को लिखा है गीतम तिवारी ने। तो आज के हमारे द हिंदू एडिटोरियल में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको शेयर कर दीजिए। हम एक बिल्कुल ही नए यूट्यूब चैनल है, तो आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा हार्ड वर्क करने के लिए। और आज शाम को देखना मत भूलिए स्टडी राइज का जो करंट अफेयर्स है, और आशा करते हैं आप लोग उसको भी उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आप द हिंदू एडिटोरियल को देते आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कीप वॉचिंग स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।